चल रही वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए आज कानपुर की सबसे बड़ी मूर्ति बाजार निराला नगर के व्यापारियों को बुलाकर शिव गोविंद नगर द्वारा गोविंदा के नियमों को पालन करने के लिए दिए गए दिशा निर्देश। जी हां, आपको बताते चले कि कानपुर की निराला नगर मूर्ति बाजार 20 साल से मूर्तियों की बाजार बनी हुई है, जिसमें करीबन 7,000 से ज्यादा मूर्तियां कलाकारों द्वारा बनाकर घरों व पंडालों में स्थापित की जाती हैं। ऐसे में कानपुर की सबसे बड़ी बाजार नहीं, हजारों की संख्या में भीड़ मूर्ति खरीदने आती है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखते हुए हर मूर्ति खरीदने आए ग्राहक का नंबर एक नाम लिखकर उसे घर में ही भू विसर्जित करने के नियम को बताने के लिए भी मूर्ति व्यापारियों को भी निर्देश दिए गए। देखिए, हमारे यहाँ और क्या पूरे प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी है कोविड को लेके। उस एडवाइजरी के तहत जिला प्रशासन और की संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई जुलूस या विसर्जन का कोई कार्यक्रम नहीं है। जो भी लोग अपने घर या मूर्ति को घर पर रखना चाहते हैं और उसका जो है विसर्जन भी अपने यही करेंगे, तो कोई किसी को आपत्ति नहीं। तो यही मूर्ति वालों को बताया गया है, जो मिल्क बोर्ड क्षेत्र में दुकानें हैं उनको ये अवगत कराया गया कि जो लोग भी मूर्तियां ले जाएंगे उनका नाम नंबर, उनका मोबाइल नंबर अंकित करेंगे, उनको ये बताएंगे कि इसका विसर्जन उनको अपने घर में ही करना है, यही बताया गया है। क्योंकि कानपुर में सबसे बड़ी बाजार मूर्ति की है, तो इसमें भीड़ ना इकट्ठा हो एक जगह, उसके लिए प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है? ऑलरेडी वहाँ पे बराबर पेट्रोलिंग है और दुकानदारों को इसके पहले भी हम लोगों ने मीटिंग करके बता रखा था कि संभवतः टेलीफोनिक और इनसे कहिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मूर्ति अगर लेने के लिए सिंगल आदमी आए और जो आएगा उसका नाम पता नोट करना है, दुकानों पे भीड़ नहीं लगानी है।